सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का ओके पिक्सल्स के ब्लॉग की एक और नई मजेदार एपिसोड में। सो गाइस, आज के एपिसोड में अपन बात करेंगे हाउ टू मेक मनी एंड व्हाट इज बाय ऑर्डर एज लॉट ऑफ थिंग्स के बारे में। मेरे को यार नीचे कल की वीडियो में सदन भाई ने कमेंट कर दी। एंड पहली बात बता दूँ, फटाफट जाके डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो जिन लोगों ने अभी नहीं करा, क्योंकि वहाँ पे 5 मिलियन कॉइन्स का गिव अवे भी रनिंग है। जाओ फटाफट जाके ज्वाइन करके पार्टिसिपेट कर लो। एंड हाँ, तो गाइस अगर आप लोग करा देते हो हमारे 2.4 के साथ 2.3 के सब्सक्राइबर इस साल के एंड तक, और मैं करूँगा 100 मिलियन कॉइन का गिव अवे, चेक कर लो। जिन लोगों ने भी वो वीडियो पहले ही देख रखा उनके लिए थैंक यू सो मच यार, इतना अच्छा सपोर्ट करने के लिए हमें। आई नो उसमें रिव्यूज़ वगैरह काफ़ी कम है, लेकिन हाँ जिन लोगों ने भी देखा ना उनके लिए दी से थैंक यू। बाकी शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो है यार बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर एंड हाउ टू मेक मनी इसके ऊपर। तो ये थोड़ा बहुत पुरानी ट्रिक है वैसे, लाइक तुम समझ लो 3-4 हफ्ते पहले पुरानी ट्रिक है, बट स्टिल मैंने इस पे वीडियो बनाई नहीं अभी तक, इसलिए मैं जो फिर से बना रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एंड बाकी 1 मिनट तक तो मैंने इंटरव्यू दे दिया, बाकी चलते हैं पोर्टल के अंदर। एंड बाकी आपको दिखा दो कैसा क्या करना होता है। देखो आप ये बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर किसी भी आइटम पे कर सकते हो, लेकिन आज थोड़ा सा नेट मेरा हग चल रहा है कोई ना, लेकिन ठीक ठाक ही चल रहा है। तो चलते फटाफट बाजार के अंदर। नेट हक नहीं होगा यार, गेम तो अब भी आपको बताइए। तो हाँ ये देखो मैंने ऑर्डर्स पे मैंने ऑलरेडी यार उस कल की वीडियो में मैंने रिकॉर्डिंग करी थी, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग का बटन ऑन करना ही भूल गया था, यानी कि वो ऐसी वेस्ट हो गई भाई। एंड पता नहीं ऐसे ये कांड मेरे साथ ऐसा क्यों होते भाई, मतलब ऑन किया लेकिन मतलब मैं तो रिकॉर्ड कर रहा था बट बटन नहीं ऑन की लॉल। तो एनीवेज, तो देखो अभी अपन जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर तुमको कुछ आइटम चाहिए, तो जैसे कि मुझे अभी लास्ट स्टैंड की एक बुक चाहिए थी, तो इस पर ऑलरेडी देखो मैंने कहा था पिछले वीडियो में बाय ऑर्डर आ चुका है। तो देखो मेरे को लास्ट स्टैंड 5 चाहिए, ठीक है डायरेक्ट। तो ये भी 4 मिलियन बाय प्राइस की चल रही है, तो आप बाय ऑर्डर से ऑर्डर से सस्ते में भी ले सकते हो और महंगे में भी सेल कर सकते हो, ठीक है। देखो या तो आप डायरेक्टली बाय कर लो, या फिर क्रिएट बाय ऑर्डर या क्रिएट सेल ऑर्डर करके इसको सेल करो। तो फटाफट अपन बाय ऑर्डर करते हैं। कस्टम अमाउंट, तो सबसे पहले आपको अमाउंट डाला था आपको कितना चाहिए, तो मैं फटाफट से 2 डालता हूँ, ठीक है। मेरे को 2 चाहिए। एंड कस्टम प्राइस देखो, ये आप ऐसे भी कर सॉरी सेम एज टॉप ऑर्डर वगैरह भी आप लोग कर सकते हो, या तो फिर आप कस्टम प्राइस भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं अभी के लिए कस्टम प्राइस सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे को कस्टम प्राइस में होना 2.4 मिलियन में लगा देता अपन 2.3999999। अबे ये तो 24 मिलियन लग गई लॉल भाई, मैं तो 2.3 मिलियन की बात करता हूँ, यहाँ पे तो 23 मिलियन लग 24 मिलियन की लग गई लॉल। तो अब से ऐसे सही यूनिट, हाँ ओके 2.34 मिलियन की एक लगी है, एंड 2 हो गए 4.8 मिलियन। तो फटाफट यहाँ पे बाय ऑर्डर कर। अभी आपको थोड़ा बहुत वेट करना होगा इसका फील होने का, ठीक है। अब पता नहीं यार ये कब फील होगा यार, बहुत सारे लोगों का ब्लीच भी चलता रहता है। मेरे को पता है कि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि हमारा ऑर्डर फील ही नहीं हुआ, 8 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 2 दिन, 3 दिन हो गए, हमारा तो लाइक भरा ही नहीं ऑर्डर। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बट आई ऑल्सो डोंट नो द परफेक्ट रीज़न, बट स्टिल यार मेरा कभी कभार मतलब हर बार ही तो ऑर्डर फिल हो ही जाता है, तकरीबन तुम समझ लो 80% का रेशियो होता है मेरा। एंड बाकी अब दिखा था आपको यार मनी मेकिंग। तो देखो ये ईसेंस वाली ट्रिक आपको बता दूंगा यार, आपको ईसेंस बता दूँ, आप एक किसी भी ईसेंस के साथ कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड है विजर और ड्रैगन ईसेंस दोनों के साथ में करना। तो विजर ईसेंस में आने के आपको क्रिएट बाय ऑर्डर करना, अमाउंट आप आपके हिसाब से रख लो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी 120 रख लेता हूँ अमाउंट, ठीक है। एंड 120 अमाउंट रखने के बाद आपको कस्टम प्राइस पर जाके, ठीक है, यहाँ पे कुछ छेड़ना नहीं, कस्टम प्राइस लगा के आपको 10K प्राइस करके बाय ऑर्डर कर देना है। आप अभी बाय कर रहे हो 10K का एक इसेंस बाय कर रहे हो, 120 बाय करें आपने, ठीक है। तो ये हो गया जितने भी कॉइन्स के होंगे, तो अब आपको प्रॉफिट कैसा होगा पता है क्या, जब आपका ऑर्डर फिर जाएगा, ठीक है। तो आप क्रिएट सेल ऑर्डर करोगे, उसके बाद क्रिएट सेल ऑर्डर करने के बाद आप 120 इसेंस लगाओगे, वो भी पर प्राइस आपकी होगी 15K, यानी कि तो मान लो अगर तुमने 1.2 मिलियन इन्वेस्ट करे तो तुमको तकरीबन 2.1 या 2.2 मिलियन के आसपास, मेरे को कैलकुलेशन पता नहीं, लेकिन हाँ प्रॉफिट आपको अच्छा खासा होगा, क्योंकि जस्ट इमेजिन आपने 10K का एक इसेंस बाय करा और आपने एक इसेंस 15K का सेल करा, यानी आपको पर इसेंस 5K का प्रॉफिट आ रहा है। तो यार ऐसा मल्टीपल अगर आप कर लो, अगर यार बहुत सारे लोग यार इवन दो मेरा भी विजर इसेंस के साथ में जल्दी से ऑर्डर फिल नहीं होता, मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बट आई होप सो इस बार मेरा फिल हो जाए, क्योंकि मैं बाजार में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ये तो छोटे मोटी है, लेकिन स्टिल क्योंकि यार उससे डबल प्रॉफिट मैं बहुत ज़्यादा कमाता हूँ। तो आपको अगर जानना होगा कि 40-30 मिलियन पर आवर कैसा कमाना है, तो यार उसके लिए आपको थोड़ा बिगिनर से हट के इंटरमीडिएट या थोड़ा ऊपर के लेवल करनी पड़ेगी, जिससे कि आप या थोड़ा डंजन वगैरह अच्छा कर पाओ, क्योंकि वो मनी भी इंटरेस्ट उसके ऊपर डिपेंड है। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, जो भी चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी यार जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखा, जाओ फटाफट जाके चेक करो। एंड भाई 2.4K पे अगर मेरा हो जाता है ना पूरा का पूरा, ये क्या कहते हैं उसे, 2.4K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं मेरे इस साल के एंड तक, तो और मैं करूँगा 100 मिलियन स्कोर कर दूँगा। तो जाओ फटाफट जाके सब्सक्राइब करो। बाकी बाय बाय।